महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी विजय चौक पहुंचे, उनके साथ कांग्रेस के कई सीनियर नेता और सांसद मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे यहां कांग्रेस के सांसद और हर राज्य में हमारे नेता पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को रोका जाए, इसका असर गरीबों पर हो रहा है। गैस सिलेंडर के दाम दोगुने हो गए हैं, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। सरकार का साफ एजेंडा है कि गरीब से पैसा निकाला जाए और 2-3 अरबपतियों को दे दिया जाए। राहुल ने आगे कहा, हमने चुनाव के समय भी लोगों से कहा था कि अभी पेट्रोल ले लो, चुनाव के बाद सरकार पैसे बढ़ाने वाली है। डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ास तौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं, पूरे देश में ये हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज।